बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में कोरोना को लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है और इसी को लेकर 75 जिलों में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तैनाती होगी। तो मंडलायुक्तों के अधीन ये अधिकारी सभी काम करेंगे, तो कोरोना के खिलाफ जंग में अब और बेहतर काम होने वाला है और इसी काम को लेकर बड़ी तैयारी योगी सरकार की तरफ से, जहां पर यूपी में कोरोना को लेकर अब 75 जिलों में आईएएस और साथ ही पीसीएस अधिकारियों की तैनाती होगी और कहा जा रहा है कि ये सभी अधिकारी मंडलायुक्तों के अधीन काम करेंगे। तो कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ना है और उस जंग को जीतना है तो उसे बेहतर करना जरूरी है और इस बेहतर करने के लिए काम आगे करने हैं और इसी को देखते हुए फिलहाल सरकार का फैसला, जहां पर 75 जिलों में आईएएस और साथ ही पीसीएस अधिकारी की तैनाती होगी और ये सभी अधिकारी जो हैं वो मंडलायुक्तों के अधीन काम करेंगे। तो बड़ी तैयारी होगी सरकार की कोरोना से जंग को जीतने के लिए। दरअसल जहां हर दिन आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां हर दिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं उस व्यवस्था के साथ ही कुछ और ऐसे फैसले लेने हैं जो बेहतरी की तरफ कदम आगे बढ़ाते रहें। और इसी के तहत एक और फैसला यहां पर सरकार की तरफ से, जहां 75 जिलों में आईएएस और साथ ही पीसीएस अधिकारियों की तैनाती होगी जो कि मंडलायुक्तों के अधीन काम करेंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर ये अधिकारियों की तैनाती होना, क्योंकि इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है, काफ़ी बेहतर। और जो जंग फिलहाल दुनिया, देश और प्रदेश यहाँ पर लड़ रही है, उस जंग के खिलाफ ये एक बेहतर कदम बतलाया जा रहा है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में और बेहतर कदम को उठाते हुए यहां पर सरकार का एक फैसला, जहां पर 75 जिलों में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तैनाती होगी जो कि सभी मंडलायुक्तों के अधीन काम करेंगे। तो कोरोना को लेकर हर दिन एक जंग यहां पर चल रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो चंद्रमणि, कोरोना से हर दिन न सिर्फ दुनिया बल्कि देश बल्कि प्रदेश हर कोई यहां पर लड़ रहा है और इस लड़ाई को और मजबूती के साथ यहां पर सरकार ने रखा है, निर्देश दिए हैं कि जहां 75 जिले जो हैं उसमें आईएएस और पीसीएस की तैनाती होगी, किस तरह से काम करेंगे और कैसे लड़ेंगे कोरोना की जंग से? जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से जो मंडलायुक्त हैं 18 मंडलायुक्तों के अंडर में जो पूरे 75 जिलों के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जिसके लिए बाकायदा शुक्रवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो नोडल अधिकारी हैं उनका प्रमुख तौर से यही कार्य होगा कि कोरोना की कैसे रोकथाम की जा रही, कैसे उसका उपचार किया जा रहा और कैसे बचाव किया जा रहा, इसके लिए उनके कार्य भी चिन्हित किए गए हैं कि जैसे कि जो नोडल अधिकारी हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि जो चिकित्सालय हैं वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जो चिकित्सक हैं वो समय से आ रहे हैं कि नहीं, जो रोगी जा रहे हैं उनका समय से उपचार हो रहा है कि नहीं, वहीं जो कोरोना संक्रमित जिनका उपचार हो रहा उनको शुद्ध खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और इसके साथ ही जो कोरोना की पूरी रिपोर्ट है उनके जिले की वो मंडलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे, जिससे मंडलायुक्त जो सीधे जो पूरी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचा सके। तो एक प्रकार की ये चयन भी है कि सीधे मुख्यमंत्री जो हैं वो आम तक पहुंच रखते हैं, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जैसे ही फैलेगा तो डायरेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि प्रतिदिन जो नोडल अधिकारी हैं अपने जिले की रिपोर्ट मंडलायुक्त तक पहुंचाएंगे और मंडलायुक्त सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। तो एक अहम पहल है और जिस तरह से कोरोना के लेकर यूपी का मॉडल इस समय पूरे देश में चर्चा है, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, अन्य विश्व के अन्य देशों में भी यूपी के मॉडल की तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से करीब 22 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है और वहाँ पर इस तरह से कोरोना के लेकर अहम लड़ाई में जिसमें नियंत्रण भी काफी अहम मात्रा में पाया गया है, तो जिसको लेकर एक अहम कदम है और उम्मीद की जा रही है कि जो अधिकारी हैं वो अच्छे से काम करेंगे, लोगों को सहूलियत होगी और हम लोग कोरोना को बिल्कुल निश्चित तौर से हरा देंगे। कदम को उठाया गया है वो यहाँ पर कारगर साबित हो। लेकिन चंद्रमणि, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, 75 जिलों को लेकर ये जानकारी है कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी तैनात होंगे, हर एक अगर जिले की बात करें तो कितने यहाँ पर ये सदस्य मौजूद रहेंगे, कितने अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्या एक पूरी तरीके से देखा जाए कि टीम की तरह इन जिलों में इनको भेजा जाएगा?
जी देखिए देखिए 18 जितने भी मंडल आयुक्त हैं, जितने भी मंडल हैं, उनके अंतर्गत 75 जिलों को लेकर एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है, जिसका काम सिर्फ ये है कि जो कोरोना का संक्रमण है उससे बचाव को लेकर, उसके उपचार को लेकर जो सीधे मंडलायुक्त को रिपोर्ट करे और मंडलायुक्त सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करे। तो जो नोडल अधिकारी हैं वो दिन प्रतिदिन जाकर चिकित्सालयों में, जो उनके क्षेत्र के, जिनके जिले के जो भी चिकित्सालय हैं, जो भी जहाँ भी कोरोना के मरीज पाए जाते हैं, उनका दौरा करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे और जो भी कोरोना को लेकर रोकथाम के लिए उपाय बताए गए हैं, जो भी चिकित्सक हैं उनसे मिलेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो संक्रमण को लेकर उपाय बरते जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वहीं पर जो चिकित्सक हैं वो समय से पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, जो उपचार है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तमाम बातों का निरीक्षण करेंगे, जिससे जो निचले स्तर पर किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो सके और डायरेक्ट जो है वो मुख्यमंत्री के संपर्क में रहे। अगर निचले स्तर पर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो वो मुख्यमंत्री, बड़े से बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।